सब खोजे यीशु, आप सबों को पवित्र सप्ताह का सभर में भव्य स्वागत है। पवित्र सप्ताह में हम प्रभु ईसा मसीह के मुक्तिकारी घटना का याद करते हैं, जिसे प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु, क्रूसमरण, पुनरुत्थान की विशेष याद करते हैं। आज सारी कलीसिया खजूर इतवार हर्षोल्लास के साथ मना रही है। हर साल की तरह वही बड़ा दिन खजूर इतवार हमारे सामने है। जैसे खजूर इतवार की नाम सुनते ही हमारा दिल दिमाग में बहुत सारे याद आ जाती है, जैसे लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के स्वागत में होसाना गाते थे, लोगों ने रास्ते में अपना कपड़ा बिछाए थे और लोग उसको देखने के लिए निकले थे। यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करना, वहां की शुद्धिकरण और उसको देखने के लिए और उस पर प्रभु ईसा मसीह कर आरोप लगाने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। इसी प्रकार की बहुत सारे घटनाएं आ जाते हैं। प्रभु ईसा मसीह गधे के ऊपर चलते हैं, ये सब बैठकर चलते हैं, ये सब इसी दिन में हम याद आते हैं। देखिए, इस बात को हम पवित्र बाइबल से हम पढ़ के इसमें किस प्रकार क्या बताते हैं उसको हम सुनते हैं। आइए हम पवित्र बाइबल से संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 में हम प्रभु ईसा मसीह का यरूशलेम प्रवेश के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए हम सब ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार पढ़ के, जैसे हम खजूर इतवार मनाते वक्त हमारे आज के दिन को हम धन्य बनाने की कोशिश करें। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बतफगे आ गए, तो ईसा ने दो शिष्यों को ये कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बांधी हुई गदगी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह उन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। एक इसलिए हुआ कि नबी का एक कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चों पर सवार है। शिष्य चल पड़े, ईसा ने जैसे आदेश दिया उन्होंने वैसा ही किया। गदगी और बछड़े ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए, कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग एक नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। जब ईसा यरूशलेम आए तो सारे शहर में हलचल मच गई, लोग पूछते थे ये कौन है, और जनता उत्तर देती थी, एक गलीलिया के नजरत के नबी ईसा है। ईसा ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां से सब बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकाल दिया। उन्होंने सराफों के मेजे और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने लुटेरों का अड्डा बनाते हो। मंदिर में अंधे और लंगड़े ईसा के पास आए और उन्होंने उनको शंका किया। जब महायाजकों और शास्त्रियों को उनके चमत्कार देखे और बालकों को मंदिर में एक नारा लगा
लगाते सुना दाऊद के पुत्र को होसन्ना, तो वे क्रुद्ध होकर ईसा से बोले, क्या तुम सुनते हो कि ये क्या कह रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सुनता तो हूं, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा, बालकों और दूधमुखे बच्चों के मुख से तूने अपना गुणवान कराया है। इतना कहकर ईसा ने उन्हें छोड़ दिया और सगर से निकलकर वह बथानिया गए और रात को वहीं रहे। अभी अभी हम जैसे मत्ती के सुसमाचार से प्रभु ईसा मसीह का जो यरूशलेम मंदिर में प्रवेश का खजूर इधवार के बारे में हमने पढ़ के सुना है, जहां हम देखते हैं जैसे प्रभु ईसा मसीह बतफगे से अपने शिष्यों से कह लेते हैं कि सामने के गांव जाओ, वहां आपको बांधी हुई एक गदगी मिलेगी। वहां से लेकर यरूशलेम होकर बथानिया में जाकर अपने कार्य समाप्त कर वहां रहने वाला प्रभु ईसा मसीह को हम देखते हैं, यानी बतफगे से लेकर यरूशलेम होकर बथानिया तक की ये सफर है खजूर इधवार की, या ये प्रोग्राम या खजूर इधवार की हमारी प्रार्थनाएं जो चीज हम मनन चिंतन करते हैं। जब प्रभु ईसा मसीह की प्रभु यरूशलेम प्रवेश को हम याद आते ही मेरे मन में पुराने विधान के सामूल के पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 7 में इस प्रकार हम पढ़ करते हैं, उस बात को याद आते हैं, जैसे दाऊद राजा युद्ध करने के बाद फिलिस्तीन को हराने के मार्ग गिराने के बाद अपने राजा साउल के पास वापस आते हैं, तो लोग उसकी स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था और लोगों ने नाचा गाया, जैसे आज प्रभु ईसा मसीह के लिए लोग गा रहे थे, जैसे दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। लेकिन उसी समय दाऊद राजा के सम्मान में लोगों ने, महिलाओं ने इसी प्रकार की गाते हुए नाचती थी कि साउल ने सहस्रों को मार गिराया लेकिन दाऊद राजा ने लाखों को मार गिराया। ये सुनते ही साउल राजा को गुस्सा हो जाते हैं, ईर्ष्या हो जाते हैं, तब से दाऊद राजा पर जलन से देखने लगते हैं। उसी प्रकार जैसे प्रभु ईसा मसीह यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं, यरूशलेम आते हैं, वहां आते ही यरूशलेम के सबसे बड़ा चीज होता है यरूशलेम मंदिर, वहां आते हैं, वहां की शुद्धिकरण कर लेते हैं, वहां लोगों ने यरूशलेम मंदिर को, प्रार्थना का घर को बाजार बनाया था। ये प्रभु ईसा को ईश्वर को अच्छा नहीं लगने के कारण उसको वहां से लोगों को हटा लेते हैं, यानी मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 13 में प्रभु ईसा साफ कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा लेकिन तुम लोगों ने लुटेरों का अड्डा बना लिया है। यही भी इसके बारे में हमको सोचने की बात है। लेकिन इसके पहले हम अगर यहूदियों के इतिहास के बारे में अपन सोचेंगे, जब प्रभु ईसा मसीह यहूदिया में इसराइल में जीते थे, उसी समय यहूदी लोग या यहूदिया रोमियों के गुलामी में थे, इसलिए वे लोग स्वप्न देखते थे, जैसे नबियों ने कहा था तुम्हें आजाद करने वाला आएगा, एक मुक्ति दादे की उम्मीद थी, जैसे नबी इसहाक की ग्रंथ में बताते हैं। तो जैसे प्रभु ईसा को देखकर लोगों में उम्मीद आ गई, हो सकता है जो नबियों के मुख से जो बोला था वही मुक्तिदाता ये हो सकता है। यही बात संत योहन बपतिस्ता को भी हुआ था कि क्या हमें बताइए कि आप आने वाला मुक्तिदाता है
या हम दूसरे किसी की हम उम्मीद करें, लेकिन प्रभु ईसा वही हालत में है। हम देखते हैं लोग उम्मीद करते हैं कि ये मुक्तिदाता हैं, रोमियों की गुलामी से हमें मुक्त करके इसराइलियों का, यहूदियों का एक राज संस्थापित करेगा, तो ये राजा होंगे। उसी अंदाज में लोगों ने उसे स्वागत किया था। हाँ मेरे भाई और बहनों, जैसे खजूर इतवार मनाते इस वक्त हमें बहुत सारे चीजों को मनन चिंतन करनी है। जैसे प्रभु ईसा मसीह जेरूशलेम जाते वक्त अपने लिए जो भी कार्य करना था उसके लिए अपने शिष्यों को नियुक्त करते हैं, शिष्य प्रभु ईसा मसीह के कहने के अनुसार चले जाते हैं और बताते हैं जैसे आप जाओगे कि आपको गदगी और उसके बछड़ा मिल जाएंगे, उसको खोल के ले आना। अगर कोई पूछ लेते हैं तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है। यानी प्रभु ईसा मसीह की जो भी चीज चाहिए था ईशु ने सब व्यवस्था किया था और शिष्य उनके साथ देते थे और वैसा ही हो जाते हैं और कोई भी रुकावट नहीं हो जाते और अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा अंदाजा लगा सकता है किस प्रकार की सफर है। यहां हम आप लोगों का ध्यान में जो जिस जानवर पर प्रभु ईसा मसीह सबर हो रहा था लाना में चाहता हूं। प्रभु गदही के बछड़े पर लद्दू जानवर बैठकर सवार होते हैं। क्यों प्रभु ईसा मसीह घोड़े के ऊपर नहीं बल्कि गदगे के ऊपर बैठते हैं? जैसे बताए जाते हैं कोई भी राजा दूसरे राज्य को आक्रमण करके विजय होकर वापस आते हैं तो लोगों को स्वागत करते हैं लोग, तभी राजा गदगे के ऊपर ही बैठते हैं, ना ही घोड़े के ऊपर, ना ही हाथी के ऊपर। क्यों? क्योंकि घोड़ा ऐसा एक प्रतीक है जो युद्ध के या अधिकार के, लेकिन गदगे ऐसे एक प्रतीक है नम्रता का, शांति का। यानी प्रभु खुद कहते हैं मैं नम्र हूं, मुझसे सीखो। यानी राजा इसलिए चलते थे ताकि लोगों के साथ चले, लोगों के जिस प्रकार लोग चलते हैं उसी रफ्तार में चलने की बात होती है। और हाथी के ऊपर इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि बड़े होने के नाते लोगों से दूर रहते हैं। यानी गधे के साथ बैठना प्रभु इसे पसंद किया है कि प्रभु ईसा मसीह लोगों के साथ रहते थे, लोगों के साथ रहना चाहता था। यानी दुनिया के अंत तक मत्ती के सुसमाचार में हम बताए जाते पढ़ते हैं अध्याय 28 पद संख्या 20 में, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारा साथ रहूंगा। यानी प्रभु ईसा मसीह दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहना चाहते थे। उसका पहला उदाहरण था गदहे के ऊपर बैठते हुए यीशु सफर करते थे, यानी नम्रता का। यानी उनके राज्य जैसे यहूदियों को ऐसा एक राजत्व, एक ऐसे यहूदियों के ऐसे राजा है जो नम्रता के, शांति के, लड़ाई करके नहीं, लड़ाई को समाप्त करके शांति के दूत बन के, सच्चाई के, ईमानदारी के राजा बनते हुए सबों को लेकर चलने का, सब में खुशी लाने की, आनंद लाने की, ईश्वर की राज को इस धरती पर संस्थापन करने की जो उनका जो लक्ष्य था उसको वो पूरी करने के लिए कोशिश में, और अब उनकी जिम्मेदारी को लोगों को बताने के लिए ही प्रभु ईसा मसीह ने खजूर इतवार के दिन अपने एक कार्य किया। और हरम और अहब अपन आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि मंदिर में आने के बाद प्रभु ईसा मसीह को गुस्सा हो जाता है। फले शांति की राजा होने के बावजूद भी मंदिर की जो भी गतिविधियां
कार्यकलाप देखते हुए प्रभु ईसा मसीह को गुस्सा हो जाते हैं। हम इसको हम कैसे समझ सकते हैं? शांति की बात करते हैं और गुस्सा होते हुए वहां से मंदिर को, वहां के लोगों को, वहां के सभी चीजों को बाहर निकाल जाते हैं। यानी प्रभु यानी ईश्वर की मंदिर की उत्साह उन्हें खा लिया था। यह बाद में शिष्य समुदाय याद करते हैं। यानी मंदिर ईश्वर का घर होता है। यहां कोई बिजनेस यानी लेन देन खरीद बिक्री नहीं होती है। आज हम ये सोचने की बात है कि हमारे मंदिरों में किस प्रकार इसी प्रकार की कुछ चीज, गलत चीज, बिजनेस की चीज, खरीद भरे की कुछ चीज हम में है या मंदिर में है, आज हमारी जिम्मेदारी है। यानी प्रभु ईसा मसीह अपने लक्ष्य लेकर आया था, उस लक्ष्य उसके जीवन में था। अगर हम संत मत्ती के सुसमाचार हम पढ़ेंगे तो उनको इससे हमको मालूम होता है कि प्रभु ईसा मसीह 3 बार भविष्यवाणी करते हैं कि मुझे जेरूशलेम जाना होगा, नेताओं शास्त्रियों महायाजकों द्वारा ठुकराया जाना, प्राणदंड दिलाया जाना, क्रूस पर मर जाना, लेकिन तीसरे दिन जी उठना। यानी कहने का मतलब प्रभु अपना लक्ष्य अवश्य जानते थे और इस बात को अपने शिष्य को बताते थे, लेकिन शिष्य नहीं समझ पा रहे थे प्रभु क्या कह रहे हैं। और शिष्य ये भी बताते थे ऐसी चीज आप में ना हो, लेकिन इस पर प्रभु ईसा उसे रोकते भी है। यानी यहां कहने का मतलब प्रभु ईसा मसीह के लक्ष्य क्या था वो पूर्ति करते हैं। भले कितना भी समस्या हो, कितना भी परेशानी हो, उसका झेलते हुए अपनी जिम्मेदारी, पिता ईश्वर ने जो जिम्मेदारी प्रभु ईसा मसीह के कंधों पर दिया था, वह उस समस्या को हल करते हुए, समस्या को आमने सामने करते हुए ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए हो सकता है जब अपनी अंतिम समय पर, जब क्रूस ढोने की वक्त आ जाते हैं, तो प्रभु ईसा कहते हैं अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा लिया जाए। फिर भी तुरंत प्रभु ईसा कहते हैं बल्कि मेरी नहीं पिता ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। हाँ मेरे भाई और बहनों, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे लक्ष्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लक्ष्य को बनाते हुए उसमें आने वाले सभी समस्याओं को हल करने की भी हमें जरूरत होती है। तो ईश्वर अवश्य, जैसे हम बताए जाते हैं ईसा मसीह की मुसीबत में साथ दिया था, उसी प्रकार हमारे भी साथ मिल जाएगा। इसलिए इस खजूर इतवार में हम भी सोचें, हम प्रार्थना करें, हम भी खजूर की डालियां हम हाथ में लिए हुए सर्वोज में ईश्वर की महिमा और दाऊद को पुत्र को होसाना, जो ईश्वर के नाम पर आते हैं उसको होसाना, वही कहते हुए ईश्वर की स्तुति करना ही हमारा जीवन का परम धर्म और लक्ष्य होता है। क्योंकि दाऊद स्वस्तर ग्रंथ में 115 में ही बताए जाते हैं, ईश्वर तेरी ही महिमा, तेरी ही महिमा हो, वही महिमा के लिए हम जीते हैं। जैसे मिस्र से निकलते वक्त इसराइली ये कहते थे और जानते थे, और ईश्वर उनसे ये बताते थे कि वो मिस्र से निकल जाए ताकि वो मरुस्थल में मेरी स्तुति और आराधना करें। इसलिए ईसाई होने के नाते हमारे भी जिम्मेदारी ईश्वर की महिमा और स्तुति और आराधना करने का है। और इसी दिन में दूसरे एक और चीजों को हमको याद आते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी ईश्वर की स्तुति और आराधना और महिमा गाने लगे हैं। यह देखकर फरीसियों और शास्त्रियों को बहुत गुस्सा आ जाते हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, दाऊद राजा के विजय पर राजा
साउल को गुस्सा और जलन हो जाते हैं। दूसरों की स्तुति पर, दूसरों की महिमा पर, दूसरों की उन्नति पर जलन होते हैं। उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह की जो होसाना कहते, जो कहते थे, यह सुनकर खास कर फरीसियों को बहुत परेशान हो जाते हैं। खुद ईसा से पूछ लेते हैं, आप नहीं सुन रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं, सुन तो हूं, यानी अगर ये बच्चे नहीं कह रहे हैं ईश्वर की स्तुति, तो ये पत्थर कह देंगे। यानी ईश्वर की स्तुति सभी सृष्टि गाती है, होसाना गाना है, ना हमारे मुख से बल्कि हमारे मन से भी गाना है। लेकिन ये होसाना क्या होता है? होसाना का मतलब ही होता है प्रभु हम पर दया कर। जब तक हम प्रभु ही हमें उद्धार कर सकता है, हमारा मुक्ति हो सकता है, हमारा मुक्ति उद्धार प्रभु ईसा मसीह में, ईश्वर में ही हो सकता है। इसलिए जैसे हम खजूर इतवार मनाते वक्त नम्र हो जाए, दूसरों को भी विनम्रता के साथ उनके साथ आचरण करें, शांति का दूत बने, वाहक बनते हुए एक अच्छा ईसाई बनाने की हम कोशिश करें। खास कर आने वाले दिनों में हम प्रभु ईसा मसीह के जो पास्कल मिस्ट्री है, जो मुक्ति कार्य घटनाएं हम मनाने जा रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह का क्रूसमरण और दुख भोग और पुनरुत्थान मनाने जाते वक्त हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम योग्य रीति से, सही रूप से हम उस मिस्ट्री को, उस घटना को हम मना सकें। उसके जरिए हम में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में, हमारा समाज में ईश्वर की शांति और कृपा बनाए रखें। जय यीशु आप सबों को धन्यवाद।